नमस्कार मित्रों, मित्रों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका हमसफर, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं एक बहुत ही उत्कृष्ट सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। इस कोरोना की महामारी के दौर में बहुत ही तेजी से हर व्यक्ति अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर पुनर्विचार करते हुए एक नई पॉलिसी ले रहे हैं। उस पॉलिसी का नाम है टॉपअप या सुपर टॉपअप। हाँ मित्रों, या तो टॉपअप ले रहे हैं या सुपर टॉपअप ले रहे हैं। मित्रों दोनों पॉलिसी की फीचर लगभग मिलती जुलती है। मैं फीचर के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं कुछ सावधानी बरतने की बात कर रहा हूँ। कुछ वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपअप पॉलिसी लेते समय, चाहे सेम कंपनी का हो या अदर कंपनी का हो, सेम कंपनी का मतलब है कि आपने जिस कंपनी से पहले बेस पॉलिसी ली हुई है, आप उसी कंपनी के ऊपर अगर आप टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं उस कंडीशन में, या किसी दूसरी कंपनी का आप सुपर टॉपअप या टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं उस कंडीशन में, मुख्य रूप से आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको इस बात का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉलिसी के टॉपअप या सुपर टॉपअप आप ले रहे हैं वो पॉलिसी इस प्लान को पिछले कितने दिनों से सेल कर रही है। कहने का तात्पर्य है ये पॉलिसी बिल्कुल नई आई हुई है, बिल्कुल स्पेशल आई हुई है या पुरानी पॉलिसी है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इस पॉलिसी की अगर ये पॉलिसी पुरानी थी, इस इंश्योरेंस कंपनी की अगर ये पॉलिसी पुरानी चल रही पॉलिसी है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी के घाटा और मुनाफे से अवगत है और लंबे समय तक भी इस प्लान को जारी रख पाएगी, क्योंकि इस कोरोना की महामारी के दौर में कई सारी कंपनी ने सुपर टॉपअप इतनी सस्ती लेकर के आई है जो किसी भी हालात में सस्टेन पॉलिसी नहीं कर पाएगी। कहने का तात्पर्य क्योंकि छोटी अमाउंट में अगर बड़ा कवर दे रहा है तो इसका मतलब उसमें जरूर कोई ना कोई झोल माल है। उसको आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक, गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए कि इतने कम अमाउंट में इतना बड़ा कवर क्यों दे रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए वो इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे से पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बिजनेस कर रही है, गवाने के लिए नहीं। दूसरी बात है दोस्तों, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सदस्य की उम्र क्या है और किस एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तीसरी बात है मित्रों, जब भी सुपर टॉपअप या टॉपअप पॉलिसी आप परचेज कर रहे हैं उस समय आप किसी भी पिछली बीमारी के बारे में ना छुपाएं, पूरी जानकारी, सही जानकारी और सत्य जानकारी दे, क्योंकि उस जानकारी के आधार पे ही आपका क्लेम हम आगे आने वाले समय में प्रोसेस करने वाले हैं, क्लेम का पेमेंट देने वाले हैं। इसलिए इस बात की सत्यता पूरी तरह से निर्धारित कर देनी चाहिए कि जो आपका स्टेटमेंट हो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सत्य हो और उसमें कहीं भी कोई धोखाधड़ी या मैनिपुलेशन नहीं हो। चौथी बात है मित्रों कि टॉपअप के साथ में आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर जैसे एक टूल है वो बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर एक अलग प्रोडक्ट है, उसका फीचर अलग है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा क्लेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो क्रिटिकल इलनेस के ऊपर मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैकेज देने की कोशिश कर रही है, आप उसमें ध्यान पूर्वक पॉलिसी का चयन करिएगा कि क्रिटिकल इलनेस राइडर आप टॉपअप पॉलिसी के साथ में ना लें। वो पॉलिसी अगर आपको लेना है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देने वाला हूँ, उसके ऊपर विचार करते हुए आपको टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की पॉलिसी लें कोई ना कोई आपके बीच में माध्यम हो। जो आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं हमें मालूम है, हम लोग जानते हैं, आपको भी अनुभव होगा कि ऑनलाइन पॉलिसी आप ले तो रहे हैं लेकिन जब इसकी सर्विसेज क्लेम को सेटल करने की बात आती है तब आपके साथ में बहुत बड़ी बाध्यता होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है जिसका सामना आप और हम दोनों को मिलकर करना पड़ता है। इसलिए मित्रों सुझाव ये रहेगा कि जब भी आप टॉपअप या सुपर टॉपअप की प्लानिंग करें तो एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें, हमसे जरूर पूछें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद में आप निर्णय करें कि पॉलिसी आपको हमारे यहाँ से लेनी है या कहीं और से लेनी है। आप कहीं और से लेने के लिए भी आप हमारे तरफ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि हमारे यहाँ से जो आपको जानकारी मिलेगी वो पूर्ण रूप से सत्य जानकारी होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जानकारी होगी, क्योंकि आपको जानकारी मुहैया कराना, आपको नॉलेजेबल बनाना यही हमारा मिशन है।
दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का समाप्ति चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक इसको फॉरवर्ड करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद सर।